सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज में। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो के थंबनेल में देख पा रहे हैं कि इन राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए आज की तीन बड़ी अच्छी खबरें। जी हाँ दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम राज्य कर्मचारियों के लिए सिर्फ तीन ताज़ा और अच्छी खबरें लेके आए हैं जो कि सेवंथ पे कमीशन से जुड़ी हुई हैं, जो कि हर एक सरकारी कर्मचारी को जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा देखिए। खबर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें, इससे वो भी इस अपडेट्स के बारे में जान सकें। और ऐसे ही लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स को यदि आप सबसे पहले देखना चाहते हैं और अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो की जो पहली खबर है वो ये है कि राजस्थान सरकार ने उसके जो उच्च शिक्षा या फिर महाविद्यालय के जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उनको भी सेवंथ पे कमीशन का लाभ दे दिया है। साथ में ही राज्य सरकार ने जो राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनके लिए भी कल सोमवार को 2% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी थी और इसके लिए भी आदेश जारी कर दिए गए थे। तो आज राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी जो टीचर्स हैं, महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं, उनको बड़ा तोहफा दिया है और सातवें वेतन आयोग के तहत उनकी बढ़ी हुई सैलरी उन्हें दी जाएगी और इसके लिए एक दो दिन में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे। और इसकी घोषणा आज राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने ये कहा कि राजस्थान के जो महाविद्यालय हैं उनके टीचरों को भी सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा और इसके बारे में एक दो दिन में आधिकारिक घोषणा या आदेश जारी कर दिए जाएंगे। साथ में ही सरकार ने कल सोमवार को राज्य के जो सभी कर्मचारी पेंशनर्स हैं उनके लिए 1 जुलाई 2018 से महंगाई भत्ते में 2% बढ़ाने की घोषणा की थी और इसके लिए भी आदेश जारी हुए कर दिए गए थे। तो राजस्थान के जो सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, लगभग 8.5 लाख कर्मचारी और 3.5 लाख के आसपास जो पेंशनर्स हैं, उनको 1 जुलाई 2018 से उनकी बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन का 9% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो रही पहली खबर राजस्थान के राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स और टीचर्स के लिए। अब देख लेते हैं हम दूसरी खबर। दोस्तों, दूसरी खबर है हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेवंथ पे कमीशन हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के बल्ले बल्ले मिला ये बड़ा फायदा। तो त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही हरियाणा के सभी राज्य कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा यहाँ पर दे दिया है और वह तोहफा यह है कि हरियाणा राज्य सरकार ने भी अपने सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को सेवंथ पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार 1 जुलाई 2018 से मिलने वाले महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया है और उन्हें अब 1 जुलाई 2018 से उनकी बेसिक पे का यहाँ पर उन्हें लगभग 9% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। तो कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया था, तो उसी के मद्देनज़र अब राज्य सरकारों ने भी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो इसी बीच में हरियाणा सरकार ने भी अपने सभी कर्मचारी और पेंशनर्स का भी महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2018 से उनकी बेसिक सैलरी और पेंशन का 9% कर दिया है, तो उन्हें अब 1 जुलाई 2018 से 9% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। और दोस्तों, तीसरी जो खबर है वो है त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। तो त्रिपुरा सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सेवंथ पे कमीशन का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार से 1500 करोड़ रुपये की मांग की है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विपल कुमार देव ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी देने के लिए केंद्र सरकार से विशेष मदद के तौर पर 1500 करोड़ रुपये की मांग की है। यह रकम त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से तनख्वाह देने में इस्तेमाल की जाएगी और गुरुवार 20 सितंबर को इस बात की पुष्टि एक अधिकारी ने की। सचिवालय में स्पेशल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी संजय मिश्रा के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मुख्यमंत्री सचिवालय देव राजधानी नई दिल्ली आए थे। यहाँ पर वह वित्त मंत्री जी से मुलाकात की और उसमें उन्होंने राज्य के लगभग 2 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सेवंथ पे कमीशन का लाभ देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की उन्होंने मांग रखी। तो ये सभी त्रिपुरा के जो राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है और इसमें राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सेवंथ पे कमीशन का लाभ देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की मांग की है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो खबर दी गई है इस वीडियो में वो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी, आपको मालूम चला होगा कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।
जिससे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।